दुनिया भर में तरबूज एक ऐसा फल है जिसे सभी लोग खाना पसंद करते हैं। गर्मियों में राहत देने के लिए भी तरबूज का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिठास और ताजगी आपको एक अलग ही दुनिया में पहुंचा देती है। लेकिन हमेशा खूबसूरत दिखने वाला तरबूज मीठा और ताजा नहीं होता, तो फिर अच्छा वाला तरबूज कहाँ से आता है? तरबूज सबसे पहले कहाँ पैदा हुआ, भारत में या अरब में, अमेरिका में या रूस में? ऐसा दावा हमेशा होता रहता है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि तरबूज की उत्पत्ति कहाँ से हुई। गर्मियों में राहत देने वाला ये फल प्राचीन मेसोपोटामिया की उपजाऊ जमीन से निकला है, जिसे आज इराक कहते हैं। ये एक घरेलू फसल हुआ करती थी। म्यूनिक में स्थित लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी की बॉटनिस्ट यानी की वनस्पति विज्ञान सुजैन रेनर और उनकी टीम ने घरेलू तरबूजों की जेनेटिक सिक्वेंसिंग की। उन्होंने जिस प्रजाति के तरबूज को सिक्वेंसिंग की उसे ल्यूट्रस लैटिस कहते हैं। इसके अलावा 6 अन्य जंगली प्रजाति के तरबूज भी मिलते हैं। सुजैन ने बताया कि घरेलू तरबूजों का संबंध सूडान के जंगली तरबूजों से ज्यादा है, क्योंकि इनका जीनोम बहुत हद तक मिलता है। सूडान के तरबूजों का मध्य भाग लाल नहीं सफेद होता है, वो ज्यादा मीठे नहीं होते। इनका उपयोग आमतौर पर जानवरों के चारे के लिए किया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक सूडान का तरबूज इराक के तरबूज का पूर्वक रहा होगा। ऐसा लगता है कि प्राचीन किसानों ने जंगली तरबूज का मीठा वेरिएंट उगाया होगा, जो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी और मीठा होता चला गया। लेकिन यहाँ तक तरबूज के अंदरूनी लाल रंग की बात है, तो इसे लेकर सुजैन की टीम को कोई आइडिया नहीं है कि लाल रंग कैसे हुआ। केमिकल कंपोजिशन निकालना आसान है, लेकिन तरबूज में ये कंपोजिशन आया कैसे आया, ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। सुजैन कहती हैं कि इसकी वजह भौगोलिक परिस्थितियां भी हो सकती हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि मिस्र के राजा तूतन खामुन को 3,300 साल पहले तरबूज के बीजों के साथ दफनाया गया था, लेकिन ये घरेलू तरबूज के रंग और मिठास का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस समय जंगली तरबूजों के ये बीज लोग नाश्ते के तौर पर खाते रहे हों, इन्हें पकाकर फ्राई करके या सुखाकर लोग खाते हों। फिर एक दिन अचानक सुजैन को मिस्र के एक प्राचीन गुम्बद पर बनी पेंटिंग दिखाई दी, जो करीब 43,000 साल पुरानी है। इसमें एक तरबूज बना था। उन्होंने बताया कि इस पेंटिंग को 1912 में ही खोज लिया गया था, लेकिन किसी ने तरबूज खोजने की कोशिश नहीं की। इस तस्वीर में यह दिखाया गया है कि अन्य फलों के साथ तरबूज को भी सलीके से काट कर प्लेट में सजा कर खाया जा रहा है। इस पेंटिंग की स्टडी के बाद में यह पता चला कि घरेलू लाल और मीठे तरबूज की उत्पत्ति मिस्र में ही हुई होगी, जो उनके साम्राज्य में हर जगह फैलाई गई, कभी व्यापार के जरिए तो कभी तोहफे के रूप में, क्योंकि सूडान के प्राचीन मिस्र साम्राज्य के हिस्से रहे। उन्होंने ही घरेलू तरबूजों को विकसित किया होगा और उनका व्यापार किया होगा। लेकिन कुछ रिसर्च यह कहते हैं कि तरबूज को सूडान के लोगों ने घरेलू बनाया, जबकि मिस्र के लोग उसे पहले से ही खा रहे थे।